हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। यह है सैमसंग का S21 FE का। मैंने बैक कवर ख़रीदा वेल पॉइंट से, जो 170 रुपीज़ का पड़ा मेरे को फ्लिपकार्ट से। सो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट अभी मेरे को डिलीवर हुआ ये। अभी फ्लिपकार्ट का ऐप थोड़ा सा चेंज हो गया, ऐप नहीं मतलब डिलीवरी सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। और भी दो तीन चीज़ें मैंने आइटम ऑर्डर की थी, उसको भी बाद में डालूंगा रिव्यू। बट अभी मतलब इसमें जैसे दिखा रहा था कि वो डिलीवरी जो बॉय आएगा उसके सामने खोल के देखना है, चेक करना है सब कुछ ठीक है या नहीं। और ये ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आना चाहिए, मतलब आता लिखा था बट ऐसा नहीं था, अच्छे से पैकेजिंग करके दिया। देख लेते हैं आइटम कैसा है। S21 FE का है, मेरा थोड़ा पर्पल टाइप का कलर है तो उसके लिए कैसा है ये। ये तो थोड़ा अलग कवर मेरे को रिसीव हुआ है। एक्चुअली मैंने जो किया था वो तो नहीं है, कलर वही है लेकिन इसका डिज़ाइन वैसा नहीं है जैसा मैं ऑनलाइन में देखा था। इसके साइड्स उठे हुए हैं देख सकते हैं। मैंने जो किया था वो स्मूथ था, साइड से ऐसे कर्व रहेगा पूरा। सेलर ने मेरे साथ धोखा जैसा कर दिया, कोई बात नहीं। और ये तो इतना बेकार फिनिशिंग, वाह चलाने लायक ही नहीं। ये तो देख सकते हैं आप, इसका ये जो स्पीकर का कितना बेकार है ये फिनिशिंग। इसका क्वालिटी ठीक है, स्मूथ लग रहा है, हाथ में अच्छा लग रहा है। अंदर में इधर में थोड़ा कपड़े वाला फिनिशिंग भी है बट बहुत बेकार क्वालिटी है, हाथ में अभी लेके पता चल रहा है। और अलग से एक स्मेल भी आ रहा है, रबड़ वाला स्मेल आ रहा है, सिलिकन तो है ही नहीं है लग रहा है मेरे को। ये वेल पॉइंट वाला कंपनी से मैंने ऑर्डर किया था, तो इसका मैं कंप्लीट रिव्यू भी देता हूँ। मैं अपने फ़ोन में लगा के आपको बताता हूँ कैसा है फिटिंग इसका। तो थोड़ा पॉज करता हूँ। मेरा जो पहले का कवर था वो ये है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, अच्छा कवर है ट्रांसपेरेंट। मैं इसका भी बताता हूँ आपको, इसको मैं फिट मतलब लगा के देखा, फिटिंग काफ़ी अच्छा है इसका। कैमरे का ये जो छेद है वो सब अच्छे से मिल रहा है, ये भी फिटिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है कि मेरे को यूज़ नहीं करना ये रबड़ वाला फिटिंग करा, सिलिकन वाला है ही नहीं है ऐसा लग रहा है। कर्व वाला थोड़ा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, और थोड़ा मोटा वाला भी फिटिंग आता है, काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक है यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। 170 में मिल रहा था तो ठीक ही है, बट मैं इसको रिटर्न करके मैं वापस से ऑर्डर करूँगा, मेरे को वही वाला चाहिए जैसा मैंने देखा है। सो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था फ्लिपकार्ट का, जो दिखाते वो ये नहीं। इसके लिए जो भी है बस मेरा काम था रिव्यू करना, आप लोगों को पसंद आया तो देखिए। मैं लिंक डालूँगा वेल पॉइंट का, मैं कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट था एक्चुअली वो। बट और भी कस्टमर लोग ने किए हैं उन लोगों का मैं दिखाऊँ, आ रहा है ठीक ठाक, और जो पिक्चर शो कर रहा है वो होना चाहिए वैसा। सो नेक्स्ट ऑर्डर मैं करके देखता हूँ क्या साथ है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और भी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं लाते रहूँगा, काफ़ी बिजी चल रहा था अभी थोड़ा।